शाम ऐसा हुआ कि एक शख्स पर चाकू से जो है हमला किया गया, जिसका नाम जो है एजाज अहमद बताया जा रहा है, एजाज अहमद भट्ट बताया जा रहा है शख्स का नाम। और इस पर चाकू से हमला किया गया, जबकि इसको अस्पताल भी ले जाया गया, जहां इसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। इतलात आ रही है, एक शख्स को वहां पर नामालूम लोगों ने जो है कत्ल कर दिया है, और जी बताया जाता है कि उसके बॉडी पर जो है कुछ निशानात भी है। ये वाकया जो है कुछ देर पहले बाईपास बटमालू जो है वहां पर वाकया पेश आया है। जी कुछ नामालूम अफरा थे जिन्होंने एक शख्स जिसका नाम एजाज अहमद भट्ट, जो कि मोमिनाबाद बाईपास बटमालू का ही बताया जाता है, वहां पर उसे मार दिया है। अगर जिस जी पर पुलिस को जो ही पता चला तो उन्होंने फिर फोर इस वाकये की तहकीकात शुरू की है, लेकिन जब उस पर कातिलाना हमला हुआ उसके बाद वहां पर कुछ लोग जमा हुए, उन्होंने उसे उठाकर फिर फोर मकामी जेबीसी हॉस्पिटल जो कि वहां जी नजदीक ही जी पड़ता है वहां लिया। लेकिन वहां पर हमारे प्रिंसिपल जेबीसी जो है डॉक्टर इरफान, उनसे बात हुई अभी जी कुछ देर पहले, उनका कहना है कि उनकी मौत वाकया हुई है, जी काफी बुरी तरह से उन पर हमला हुआ था। क्या बताया जा रहा है, हमलावर कितने थे, कितने लोग थे जिन्होंने इस पे हमला किया, और किसी सुनसान जगह पर इस पर हमला किया गया? मैं बता दूं कि ये जो हमला हुआ अभी वहां पे एक आयरन ट्रेडर्स का के नाम का एक जी बड़ा दुकान है जो जी वहां पर आयरन के साथ करते हैं, और वहां जी पर इन पे हमला हुआ है। अभी ये पता नहीं चला है कि आया क्या ये आपसी दुश्मनी है या जी किसी बात पर वहां पर तू तू मैं हुई थी, इन्हें किस बात पर मारा गया या जी आपसी जी कोई लेन देन था। इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि